सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। हालांकि यहाँ कहानी थोड़ा उल्टा है। विश्वात्मा फिल्म में सच्चे आशिक के लिए उसकी महबूबा यह गाना गाती है, लेकिन जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका हीरो यानी कि प्रेमी बेवफा है। वो अपनी प्रेमिका जो कि अब उसकी पत्नी बन चुकी है उसे वो गुजरात छोड़कर बिहार यानी अपने यहाँ भाग आया था, जिसके बाद उसकी महबूबा किसी तरह उसे खोजते खोजते उसके घर पहुंची। उसके गांव वाले सब वहाँ पे बहुत रहते हैं, सूरत में रहते हैं। सूरत में तो कंपनी का नाम है धर्मनाथ खाता, सेठ का नाम है ऐसा। तो इसके चाचा इसके भाई सब पूरा फैमिली रहता है मतलब गांव का। तो उसने बोला कि सरवन घर पे भाग के गए, तो फिर वहाँ में जैसे मेरे को पता चला उससे मैं यहाँ पर आ गया। तो मैंने मतलब बोल रहे हैं मेरा हेल्प चाहिए और कुछ भी नहीं, लेकिन घर वाले उसे पहचानने से ही इनकार करने लगे, उसे घर में रखने को भी तैयार नहीं हुए, जिसके बाद प्रेमिका ने जिले की महिला संगठनों से मदद मांगी। अब महिला संगठनों की मदद से उसे उसके घर में प्रवेश दिला दिया गया है। हालांकि उसका प्रेमी यानी पति घर से फरार है। मधुबनी जिले के जयनगर का ये मामला है। पीड़िता निशा ने बताया कि उसका मूल घर भागलपुर है, वो गुजरात के सूरत में काम करती थी, जहां मधुबनी के रहने वाले श्रवण से उसकी मुलाकात हुई। मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गया, फिर वहीं शादी भी हो गई। श्रवण के घर वालों को भी ये पता था, एक साल तक दोनों साथ साथ भी रहे, लेकिन पिछले दिनों उसका पति उसे गुजरात में ही छोड़कर मधुबनी भाग आया और उसके बाद उससे कोई संपर्क नहीं कर रहा था। वो अनहोनी की आशंका में यहाँ पहुँची थी, लेकिन यहाँ का माजरा कुछ और ही था। यहाँ घर वाले उसके पति की दूसरी शादी कराना चाहते हैं। हालांकि महिला संगठनों के प्रयास के बाद माना जा रहा है कि मामला सलट गया है। आज एक केस आया है हमारे पास शाम को। एक लड़की है जो कि सूरत में काम करती थी, ये रहने वाली भागलपुर की है। इनका नाम निशा कुमारी है और इनके फादर का नाम क्या है आपके पास? गणेश ताती। ये सूरत में काम करती थी किसी साड़ी के फैक्ट्री में, और वहाँ पे इनको एक हमारे जयनगर के पास का खेरा मार्ट गांव है वहाँ का एक लड़का था। लड़के का नाम बताइए। सरवन यादव। उसके फादर का नाम है किशुन यादव। वो वहाँ सूरत में काम करता था। उसी काम करने के दरमियान इन लोगों की बातचीत हुई, उसके बाद इन लोगों में प्यार वगैरह हुआ, फिर इन लोगों ने शादी कर ली। इनकी शादी कब, आपकी शादी कब हुई थी? 28 मार्च 2021 को इनकी शादी हुई। 2020 को शादी हुई थी। और लड़का इनके साथ एक साल रहा है। पिछले एक महीना पहले 11 तारीख को 11/9/2021 को वो लड़का भाग करके आ गया है और ना इनका फ़ोन उठा रहा है। जब ये परिवार वाले को फ़ोन कर रही हैं तो परिवार वाले कह रहे हैं कि अगर तुमने दोबारा फ़ोन किया या कांटेक्ट किया तो मैं तुम पे ही लड़का का अपहरण होने का केस कर दूंगी, जिसके लिए इन्होंने सूरत थाना में सनहा भी दिया है। और ये देखिए अभी लड़की हमारे पास है, ये अपना नाम बताएंगे और अपनी घटना बताएंगे। और मैं सूरत में रहते थे दोनों, और काम करके दोनों शादी उदे किए, प्यार किए, और उसके बाद अगले 11 तारीख को वहाँ से भाग गए। जब ससुराल वाले को फ़ोन करते हैं कि कहाँ है तो कोई भी नहीं बता रहा, और मेरे को धमकी दिया जा रहा है कि तुमने उसको मरवा दिए हैं और उसको ढूंढ करके दो, नहीं तो तुमको फिर आ करके मारेंगे, ऐसा बोल रहा है। उसको घर पे कैसे पता चला कि लड़का कहाँ है? शायद उसके गांव वाले सब बहुत रहते हैं तो